हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए हम यहां पर निफ्टी के बारे में लगातार यहाँ पर आपको पॉइंट्स देते जा रहे हैं हम बताते जा रहे हैं क्या प्रॉविट पॉइंट्स है एज वेल एज हम बताते जा रहे हैं आपको क्या रेजिस्टेंस है क्या सपोर्ट है और उस बेसिस पे यहाँ पर आप यहाँ पर जब भी ट्रेड ले रहे हैं उस बेसिस पे आप जब भी यहाँ पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फायदा ही होता हुआ नजर आएगा यहाँ पर कल के बारे में ही बात करेंगे बट फॉर दीडियो में आगे बढ़े तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए दूसरा चैनल है कुमार के नाम से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट और दूसरे वीडियोस को जाके देखिए काफी अच्छे वीडियो यहाँ पर बनाए गए हैं आपके लिए कि यहाँ पर तीन स्टॉक ऐसे जो अच्छे खासे पैसे दे सकते हैं एज वेल एज इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि हम देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर डोजोन्स यहाँ पर ऊपर अच्छी तरीके से यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया है तो क्या यहाँ पर डोजोन्स में तेजी है तो इंडिया मार्केट में भी तेजी होगी तो ये कोई परमानेंट चीज नहीं है कि अगर इंडिया आ, में अमेरिकन बाजार में यहाँ पर तेजी हुई है तो इंडिया में भी तेजी होगी ऐसा कोई यहाँ पर साइंटिफिक रीजन भी नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर यूनिवर्सल थ्रोथ तो है बट अगर हम यहाँ पर बात करें मोस्टली ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर अमेरिका में तेजी है तो हमारे बाजार में भी तेजी होती है बट एक बीच में दो दिन का गैप हो गया तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है एज वेल एज हम बात करेंगे अभी निफ्टी की तो जो जो आपको लेवल्स दिए हैं उन्हीं लेवल से देखिए यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार यहाँ पर ये लेवल था गिरता हुआ दिखाई दिया एक दिन में ये लेवल क्रॉस किया फिर इसके बाद सीधे पर दिखाई दे रहा था तो यहीं पर ही आके देखिए मार्केट रुकी है अब क्या अब यहाँ पर ये इसके लिए एक बेहतरीन सपोर्ट है याद रखिए ये जो लाइन है इसके लिए बेहतरीन सपोर्ट है जब तक ये टिका हुआ है ठीक है अगर यहाँ से गिरा तो इसके लिए यहाँ पर जो ये दो लाइन दे रखी है सोलह हजार आठ सौ चौदह सोलह हजार सात सौ के आसपास तो ये यहां पर इसके लिए सपोर्ट नजर आएगी और यहाँ पर अब रेजिस्टेंस की बात करें तो सत्रह हजार चार सौ के आसपास का रेजिस्टेंस है इसे क्रॉस किया तो याद रखिए एक यहाँ पर सीधे तेजी होगी अठारह हजार यहाँ पर मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देगा तो अठारह जाएगा जाएगा ओके बट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ लगातार तेजी नहीं होती ओके okay, गिरावट हुई थी तो लगातार गिरावट नहीं हुई थी याद रखिए ट्रेसमेंट नाम की चीज हुई थी बट अगर हम बात करें लगातार तेजी होगी तो ये भी ऐसा नहीं है कि लगातार तेजी होगी हो सकता है यहाँ पर जाके थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाए दोबारा यहाँ पर हम 16000 तक आते हुए दिखाई दे और फिर सोलह के बाद दोबारा हम एक सेकंड राउंड ऑफ तेजी दिखे और उस टाइम हम अठारह और यहाँ पर साढ़े हज़ार की जर्नी और जो हाई ऑल टाइम हाई है वो देखे फिर उसके बाद एक गिरावट तो ये यहाँ पर मार्केट का दस्तूर है इसी हिसाब से मार्केट को चलना है तो कल यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये टूटा तो गिरावट अदरवाइज यहाँ से एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो सत्रह तक इसे लेके जाएगी इसके बाद हम बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की निफ्टी स्मॉल कैप यहाँ पर आप देख सकते हैं टू निकाल दिया है टू, दिया। टू भी देख लीजिए कोई इशू वाली बात नहीं है

यहाँ पर सबसे मेन रेजिस्टेंस नजर आता है तो याद रखिए स्मॉल कैप जब रिटर्न देने के मामले में आएगा तो सबसे ज्यादा रिटर्न भी यहीं पर ही बनते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा रहेगा बट यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न यहीं पर मिलेंगे इसके अलावा हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की तो निफ्टी मिड कैप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी निफ्टी मिड कैप में लगातार जैसे यहाँ पर तेजी निफ्टी फिफ्टी में हो रही है सेम एज इट इज पर तेजी होती दिखाई दे रही है और जो हमने पॉइंट्स पॉइंट्स खींच रखे हैं देखिए ये कैसे निकालते है? प्ले लिस्ट को देखिए आपको समझ में आएगा यहाँ पर देखिए तेजी हुई तेजी होके इसी टच करके चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी और ये लाइन हमने अभी नहीं और बहुत पहले से खींच रखी है और अभी यहाँ पर देखे तो और भी लाइन खींची हुई है तो देखिए ये लाइन है अफ डी ए वाली लाइन है तो ये खींच रखी है इसका बड़ा महत्व है इसका ये का तो इसे थोड़ा समझ के चलिए। अब यहाँ पर जो ये आज कल रिसेंट आई था उनतीस छह सौ छिहत्तर इसे निकाला तो इंटरडे बेसिस पे इसे निकालना और जरूरी है इसे ओके उनतीस हजार नौ सौ सत्रह नौ सौ बीस के आसपास। ये निकाला तो तेजी होगी जो इसे तीस हजार तीन सौ तक लेके जाएगी और इसे भी निकाला तो इकतीस हजार चार सौ इकतीस हजार पांच सौ तक जाती हुई दिखाई देगी तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा दृष्टिकोण रखना है इसी तरीके से यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करनी है इसी तरीके से आपको यहाँ पर मार्केट को फॉलो करना है और ये अगर आपको लगाना आ गया तो इसके बाद याद रखिए ना तो आप, आपको डरने की जरूरत है फ्यूचर्स में ना आपको डरने की जरूरत है ऑप्शंस में क्यों <laughs> क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि हम ऊपर जाके फंस गए तो ऊपर जाके आप इसलिए फंस गए क्योंकि आपको पता नहीं था कि रेजिस्टेंस कहा है और कहाँ पर सपोर्ट है ओके अब हो सकता है कि यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस पर टच किया अब चीजें नीचे आए बट यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है तो, तो, तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर चीजें आके थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर दोबारा भागना शुरू करे और इसे क्रॉस करके फिर ऊपर चले जाए तो इसी तरीके से काम होता हुआ दिखाई देता है और इसी को आगे यही नहीं पता तो इसके बाद आप कितने भी फ्यूचर्स की नॉलेज ले लीजिए कितनी भी ऑप्शन की नॉलेज ले लीजिए वो सब वर्थलेस है अब बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में देखिए यहाँ पर सपोर्ट नजर आ रहा था यहाँ पर देखिए इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं और लगातार तेजी और यहाँ पर जो तेजी थी अच्छी खासी भागती हुई दिखाई दी एक यहाँ पर देखिए तो हैमर भी बनाए बट ये हैमर हमेशा नीचे का ज्यादा काम करता है ऊपर इतना काम नहीं करता इस बात को भी याद रखिएगा और यहाँ पर देखे तो रेजिस्टेंस नजर आता है इस रेजिस्टेंस को और जो इसका सॉरी आज का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो है सैंतीस सात सौ चौवन जब तक इसे ना निकाल ले तब तक तेजी मत करिएगा और यहाँ पर अगर इसे निकाल दिया ओके और मोस्टली सैंतीस नौ सौ ओके इसका दूसरा टारगेट रहेगा इसे निकाल दिया तो सीधे तेजी होती हुई दिखाई देगी जो अड़तीस आठ सौ तीस और इसे नौ उनतालीस हजार तक जाती हुई दिखाई देगी हो सकता है थोड़ा सा चीजें ऊपर जाके रिट्रेसमेंट करके नीचे आए बट मेन तेजी जब इसका हाई निकाल ली सैंतीस सात सौ चौवन का सात सात सौ पचपन का तब यहाँ पर तेजी करते हुए दिखाई देना तो अब मार्केट में जो बॉटम था वो बॉटम क्रिएट हो गया अब केवल तेजी होती हुई दिखाई देगी अब बात करते हैं दूसरे इंडेक्सेस की निफ्टी आईटी देख लीजिए निफ्टी आईटी में लगातार तेजी है क्यों क्योंकि यहाँ पर नेस्टेक की बात करें नेस्टेक में भी तेजी है अगेन यहाँ पर देखिए ऊपर का लेवल निकाल के नीचे आता हुआ दिखाई दिया और एक जो यहाँ पर शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई दिया है इसका अगर लो तोड़ा तो याद रखिए नीचे आता हुआ दिखाई देगा और सपोर्ट अट्ठाईस तीन के आसपास है बट इसे तेजी करने के लिए जो इसका रिसेंट हाई है उनतीस का वो निकालना जरूरी है वो निकाला तो इसके लिए रेजिस्टेंस उनतीस एज वेल एज यहाँ पर उनतीस तीस पांच सौ के आसपास है ये निकाला तो यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई देगी तो निफ्टी आई टी पर, uh, विश्वास भी रखिए और थोड़ा ध्यान भी दीजिए अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देगा या फिर थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ पर रिसेशन की बातें चल रही है अमेरिका एंड ऑल में और आपको पता ही है अमेरिका और यूरोप से यहाँ पर uh, आईटी का बिजनेस होता हुआ ज्यादा दिखाई देता है इसके अलावा मेटल की बात करें मेटल ने यहाँ पर लगातार तेजी करी थी और तेजी करके यहाँ पर इसने अगर हम देखें निकल चुका है ऊपर की तरफ और एक बेहतरीन सपोर्ट पे मुझे लगा था कि यहाँ पर यहाँ पर एक सपोर्ट है बट इसने देखिए तोड़ दिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे बताया था अब क्या अब सिंपल सी बात ये है अगर यहाँ पर जो इसका रिसेंट हाई है ओके यहाँ पर आप देखिए कितना पांच हजार पांच सौ सत्रह ये निकाला तो तेजी होती हुई दिखाई देगी बट सामने एक रेजिस्टेंस है पांच हजार छह सौ साठ के आसपास, इसे निकालना बहुत जरूरी है और एक पांच हजार सात सौ अट्ठावन ये तेजी करनी जरूरी है ये हुई तो यहाँ पर तेजी अदरवाइज चीजें हो सकता है कि नीचे आती हुई दिखाई दे एक अच्छी खासी गिरावट थी वो हमने यहाँ पर पहले से ही प्रेडिक्ट कर ली थी इसके अलावा हम बात करते हैं ऑटो की तो ऑटो भी देख सकते हैं लगातार तेजी में है बट याद रखिए एक कैंडल बनी है शूटिंग स्टार और जब भी शूटिंग स्टार ऊपर बनता है घबराना चाहिए क्यों क्योंकि यहाँ पर चीजें गिरावट में दिखाई दे सकती है बट अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो शायद ऊपर ही जाए बट यहाँ पर आ, इसका अगर लो तोड़ दिया बारह का तो याद रखिये एक, एक सपोर्ट नजर आता है बारह दो से दोबारा चीजें नीचे आ सकती है और इसे भी तोड़ दिया तो एक एक करके यहाँ पर जो लाइन दे रखी है यही इसके लिए सपोर्ट का काम करती हुई नजर आएगी और इसे तेजी के लिए इसका हाई निकालना जरूरी है इसके अलावा हम एफ सेक्टर की बात कर लेते हैं एफ सेक्टर देखिए लगातार हम बता रहे थे तो तेजी होती हुई दिखाई दी अब इसे असली तेजी के लिए ये जो इसका लेवल है आज का रिसेंट जो इसका हाई था देखिए डबल टॉप भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है बयालीस इसे निकाला तो यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई देगी बट यहाँ पर तेजी होने पर ऊपर मत फंस जाना क्यों क्योंकि ऊपर जाके चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है थोड़ा सा कॉशियस वे भी आपको साथ साथ अपनाना है बट तेजी में बने रहना है याद रखिए तेजी में बने रहना बस कॉशियस वे से तो यहाँ पर बात करें फार्मा की फार्मा मैंने आपको बताया था इस लेवल से निकला तो यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे तेरह दो सौ सत्तावन और यहाँ तक लेके जाएगी अब फार्मा में तेजी होना तय ते है थोड़ा सा टाइम की वेट है बस थोड़ा सा यहाँ पर टाइम निकला तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी एनर्जी सेक्टर एनर्जी सेक्टर भागता हुआ दिखाई दे रहा है अब देखिए आई आपको बताया था कि एक गिरावट होती हुई दिखाई देगी तो यहाँ पर आई में जो हमने प्राइवेट पॉइंट लगा रखे थे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये उसी लेवल से यहाँ पर देखिए नीचे आती हुई लगभग नीचे आती हुई दिखाई दी और अब तेजी का मूड है तो आई में अब इन्वेस्ट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं चल सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ दिखाई देगा बॉटम क्रिएट हो गया क्या बाइंग सेलिंग कर दी आप मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं अपने फाइनेंशियर पैसे खुद की स्टडी करें वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें ओके यहाँ पर नितेश कुमार को और इंस्टाग्राम ट्विटर पर ही फॉलो करें थैंक यू सो मच फॉर ब्लस